पीएनएस गाजी, जो पाकिस्तान नौसेना के लिए प्रमुख पनडुब्बी के रूप में कार्य करती थी, उसे इस्लामाबाद ने अमेरिका से लीज पर लिया था। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की नेवी भारत के खिलाफ 1971 के युद्ध में कर रही थी और इसके लिए यह काफी भरोसेमंद थी। बांग्लादेश की लड़ाई के दौरान 3 दिसंबर 1971 को भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास जोरदार रहस्यमयी धमाका हुआ। इस धमाके का इतना जोरदार असर हुआ था कि बंदरगाह पर बनी बिल्डिंगों के शीशे तक टूट गए थे। स्थानीय लोगों को लगा कि भूकंप आया है। इस दौरान समुद्र में एक विशाल लहर उठी और फिर समुद्र के अंदर ही वो लहर समा गई। यह कोई भूकंप नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी थी, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह के अंदर बारूदी सुरंग लगा रही थी। पाकिस्तान का दावा है कि पनडुब्बी के अंदर आंतरिक विस्फोट हो गया था। भारत की ओर से कहा जाता है कि आईएनएस राजपूत युद्धपोत ने इस पाकिस्तानी पनडुब्बी को डुबोया था। इस पनडुब्बी पर 93 पाकिस्तानी नौसैनिक सवार थे और उन सभी की जो है मौत हो गई थी। भारतीय नौसेना ने बताया कि पाकिस्तान पनडुब्बी गाजी के मलबे को भारतीय नौसेना ने काफी साल पहले ही ढूंढ लिया था और उसकी पहचान भी कर ली थी। डूबी हुई पनडुब्बी से बरामद कुछ हिस्सों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए विशाखापट्टनम के बीच रोड स्थित विशाखा संग्रहालय में कलाकृतियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नौवहन सामग्री खतरों से बचने के लिए स्थान को सभी शिपिंग चार्ट मानचित्रों पर भी अंकित किया गया है। इससे पहले इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी कि भारतीय नौसेना के नए अधिग्रहित डीप समर्सिबल रेस्क्यू व्हीकल ने विशाखापट्टनम के पूर्वी तट के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के मलबे का सफलतापूर्वक पता लगाया है, जिसके बाद नेवी ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि मलबा तो काफी पहले ही मिल गया था। डीएसआरवी की खरीद भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो उन्हें अज्ञात समुद्री धाराओं की मैपिंग के लिए उन्नत क्षमता प्रदान करता है और उनके पानी के नीचे प्लेटफॉर्मों के लिए बेहतर नेविगेशन सहायता प्रदान करता है। विशाखापट्टनम 16 मीटर की औसत गहराई के साथ उन कुछ बंदरगाह शहरों में से एक है जो तट के पास समुद्र में चलने वाले जहाजों और पनडुब्बियों को समायोजित कर सकते हैं। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस भारतीय शहर के अनोखे भौगोलिक लाभ के कारण विशाखापट्टनम तट के पास पीएनएस गाजी पनडुब्बी को पाकिस्तान ने तैनात किया था। भारतीय नौसेना का कहना था कि गाजी को डुबोने के लिए आईएनएस राजपूत युद्धपोत का हमला जिम्मेदार था। भारतीय दल को एक जापानी पनडुब्बी RO-110 का भी मलबा मिला था, जो 80 साल से वही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी RO-110 को रॉयल इंडियन नेवी के HMIS जुमना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के इप्सविच द्वारा किए गए हमले में डुबो दिया गया था। साल 2018 में भारत ने डूबे हुए जहाजों और पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए डीप समर्सिबल रेस्क्यू व्हीकल का अधिग्रहण किया था। भारत इस तकनीक वाले 12 देशों में से एक है, जिनमें अमेरिका, चीन, रूस और सिंगापुर शामिल हैं। बांग्लादेश लड़ाई जब खत्म हुई, तब अमेरिका ने इस पनडुब्बी को बाहर निकालने में मदद का अनुरोध किया था, लेकिन तब भी भारत ने इसे पूरी विनम्रता के साथ ठुकरा दिया था। यह पनडुब्बी अभी भी विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाहरी इलाके में समुद्री कीचड़ के अंदर फंसी हुई है। इस पनडुब्बी के साथ ठीक ठीक क्या हुआ, अब तक इसका पता नहीं चल पाया है, और चूंकि भारत ने इसे छूने से मना कर दिया था, तो सच के सामने आने की उम्मीद भी नहीं है। के एस सुब्रमण्यन के मुताबिक संभवतः इस पनडुब्बी में हाइड्रोजन गैस सुरक्षा मानकों से ज्यादा हो गई थी और जोरदार विस्फोट का दौर जो है वो शुरू हो गया था। इसकी चपेट में पनडुब्बी के सभी हथियार भी आ गए थे, तो आपस में सारी जो चीजें हैं वो ब्लास्ट कर गई। और यहाँ पर जो पाकिस्तान ने भारत को जो है चुनौती देने के लिए, भारत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पनडुब्बी तैनात की थी, वो खुद उनको ही बैकफायर कर गई। तो ये थी कहानी गाजी पनडुब्बी की, जो अपने आप में भारत का पाकिस्तान पर एक करारा तमाचा है। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए RA News को। नमस्कार।